36 नंबर दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो फॉर्मूला होता है इसका पी बटा एच ना। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिया, यह एंगल थीटा ले लेता हूँ, तो यह पी हो जाएगा 3 के और यह एच हो जाएगा आपका 5 के, तो हमें बी निकालना होगा ना, तो बी बराबर में रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 5k² माइनस में 3k² 25k² माइनस 9k² 16k² आएगा, यानी कि 4k हो जाएगा, बी आपका 4k आ गया। हमें देखो इसमें टेन चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, कॉट चाहिए, तो साइन तो पहले से ही, कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर तो वही बी बटा में एच, यानी कि 4k/5k, के से के कट गया 4/5। अच्छा टेन भी चाहिए, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा में बी, यानी कि 3k/4k, के कट गया 3/4। कॉट भी चाहिए, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा में पी, यानी कि 4k/3k 4/3। चलिए हमें किसका वैल्यू निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए सबके वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं, टेन थीटा 3/4 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा तो आपका 3/5 दिया हुआ है पहले से ही, कॉस थीटा तो कॉस थीटा है आपके पास 4/5 और प्लस कॉट थीटा तो कॉट थीटा आपके पास है 4/3। यहाँ 9/16 प्लस में 12/25 और प्लस में 4/3, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों तीनों का एलसीएम 1200 हो जाएगा, ठीक है, इसमें इसे भाग करते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा ना, और 75 में 9 से गुना कर देंगे तो 675 प्लस 25 में भाग करेंगे 1200 से, तो 1200 में 25 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 48, है ना, 48 आएगा, और 48 में गुना कर दो आप कितना से, तो 12 से, तो 12 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 576 प्लस, अब 3 में इसे भाग करोगे तो आएगा 400 और 400 का हो जाएगा यहाँ पे 1600, ये ना हो जाएगा आपका, ठीक है। हम लोग 1200 में कितना से भाग करेंगे जी, तो 3 से, 400 और 400 का 1600, तो इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका कितना आएगा यार, 2851 आ जाएगा और बटा में 1200, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ।